Hello everyone, my name is Manisha Siyag. I am lecturer of computer science in electronics department of Government Women Polytechnic College Bikaner. Today my topic is functions in C programming. Functions mein kya hota hai, jaise hum koi bhi kaam simple program se nahi karwa ke function se karwana chahte, to C mein kaise functions banate hain hum, iska ek example leke hum dekhenge कि दो नंबर का एडिशन जो होगा वो हम फंक्शन के थ्रू करेंगे. सबसे पहले फंक्शन के तीन पार्ट होते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की बॉडी. सबसे पहले वॉइड मेन है, उससे पहले मैं फंक्शन को डिक्लेयर करती हूँ. फंक्शन की डिक्लेरेशन में तीन पार्ट होंगे फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए. फंक्शन का नेम आया और वो क्या वेरिएबल दे रहा है और क्या वेरिएबल रिटर्न कर रहा है. फंक्शन का नेम है एड नंबर और फंक्शन ले क्या रहा है, दो इंटीजर ले रहा है जिसको ऐड करेगा और रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर. नेक्स्ट लाइन में वॉइड मेन, जो हमेशा हम फंक्शन बनाते हैं वॉइड मेन. फिर हम जो नंबर स्कैन करेंगे और जो रिटर्न करेंगे उनको इनिशियलाइज करेंगे. हर एक नंबर को हमें पता है इनिशियलाइज करना पड़ता है, जो भी हम प्रोग्राम में यूज करते हैं. तो यहाँ ए और बी को मैं जैसे लेंगी कि ए और बी की वैल्यू क्या है. वैल्यू लेने के लिए हमें पता है हम स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं, परसेंट टी लगाते हैं क्योंकि वो इंटीजर है, फिर एम परसेंट ऑपरेटर और ए से हमने ए में एक नंबर यूजर से लिख दिया. फिर नेक्स्ट लाइन है स्कैनर परसेंट डी एम परसेंट बी. तो यहाँ मैंने स्कैन कर दिया, स्कैन टू नंबर्स फ्रॉम यूजर. ये दोनों लाइन में मैंने ए और बी को स्कैन कर दिया. अब मैं सिंपल की ए और बी को प्लस करा के यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करा देती हूँ. वही काम अगर मेरे को फंक्शन से करना हो तो मैं सी में क्या करूंगी, ऐड नंबर को कॉल करूंगी, ऐड नंबर ए और बी. अब ये ए और बी वैल्यू गई ऐड नंबर वाले फंक्शन. जैसे ही यहाँ फंक्शन की कॉलिंग हुई तो हमारा कर्सर जाएगा जहां पे ऐड नंबर की प्रोटोटाइप है, यानी जहां ऐड नंबर को मैंने डिफाइन कर रखा है. जैसे ही फंक्शन यहां से कॉल होगा कर्सर यहां मूव करेगा. यहां पर क्या कर रखा है मैंने, फंक्शन को पूरा डिक्लेयर कर पूरा बॉडी बना रखी है इसकी कि कैसे फंक्शन वर्क करेगा. ये फंक्शन की बॉडी है. जो फंक्शन का एक और पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन ही होगी, फंक्शन कॉलिंग ये है और फंक्शन की बॉडी ये है. अब ये ऐड नंबर नाम तो नाम है उसका, ये इंटीजर डी और इंटीजर ई में ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी. ए इधर आ गया डी में और बी आ गया इधर ई. क्योंकि हम वेरिएबल के नाम अलग अलग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये ए और बी जो है वो इसके लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है मेन फंक्शन के. क्योंकि ए और बी है वो यहाँ इनिशियलाइज हुए हैं, तो ये ए और बी मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल है. अब ये यहाँ इनविजिबल होंगे नेक्स्ट फंक्शन में, क्योंकि ये इसी मेन फंक्शन में वर्क करेंगे. तो हमें ए और बी को डी और ई में कॉपी करना पड़ेगा. अब डी और ई में मैंने ए और बी को ले लिया. अब यहाँ पे मैंने एक सम वेरिएबल लिया, क्योंकि मैं इन दोनों को ऐड करके क्या करूंगी, डालूंगी सम में. अब मैंने डी और ई प्लस ई कर दिया तो ये सम में आ गया और यहाँ से मैंने रिटर्न करा दिया सम और ये सम यहाँ कॉपी हो जाएगा सी. ये जो सम है वो यहाँ कॉपी हो जाएगा. फिर मैंने इसको प्रिंट आउट करा दिया, एडिशन इज परसेंट डी सी गेट सी एच रिटर्न लगा दे यहाँ तक यहाँ कर्सर रुका हुआ है. फिर कंट्रोल प्लस एफ नाइन करेंगे तो ये फंक्शन रन हो गया. फिर से देख लेते हैं कि कोई भी फंक्शन हम पढ़ाते हैं, फंक्शन करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले फंक्शन के तीन पार्ट है, फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की कॉलिंग और फंक्शन की बॉडी. सबसे पहले ये आया डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन की फिर फर्दर तीन पार्ट है, उसका नेम, वो क्या इंटीजर ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है. फिर वॉइड मेन वाला फंक्शन, यहाँ पे ए और बी मैंने यूजर से वैल्यू ली जिसका मेरे को एडिशन करके रिटर्न करना है. ऐड नंबर को मैंने कॉल कर दिया, जैसे ही कॉलिंग होगी फंक्शन कर्सर जाएगा यहाँ पे. ये फंक्शन की बॉडी है. जो फंक्शन का तीसरा पार्ट है इसमें मैंने यहाँ पे सम एक वेरिएबल नया लेके दोनों दो नंबर को डी और ई को कॉपी करा, प्लस किया और सम करके सी में मैंने इसको रिटर्न कर दिया. फिर मैंने इसको प्रिंट आउट करा. तो ये तो हुई फंक्शन की बॉडी, ये हुई फंक्शन की कॉलिंग और ये हुई फंक्शन का डिक्लेरेशन. चाहे कैसा भी फंक्शन हो उसके तीन पार्ट होंगे, हमेशा एक में डिक्लेयर होगा सबसे पहले, फिर उसका कॉल होगा और फिर
कोई टीचर कोई वैल्यू दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ भी दे नहीं पर ले, इंट ले, यानी डिपेंड करता है मैंने दो इंटीजर ले लिया और यही अगर सम को प्रिंट करा लिया रिटर्न नहीं करा तो वो क्या होगा वॉइड टाइप, वॉइड मार्क। मैंने फंक्शन लिया तो है डिफाइन भी किया है उसके दो वेरिएबल भी लिए पर उससे रिटर्न कुछ नहीं करा तो ये फंक्शन वॉइड भी बन सकता है अगर रिटर्न यहाँ पे नहीं हो यही अगर सम को प्रिंट करा। फिर ये इस टाइप का फंक्शन भी बन सकता है कि नेम एड नंबर और ये ले भी नहीं कुछ भी दे भी नहीं सीधा ये सी और ए और बी में यहाँ पे भेजो ही नहीं सीधा यानी